उत्तर कितनी थी, तूने देखा था क्या ट्रेलर? देखा था, इतना डरावना। कौन था उसमें? भगवान जाने, भगवान जाने। हॉरर मूवी थोड़ी नहीं है। अरे वैसे लगती है एकदम, लकड़ी का पेन। ये देखो बेटा, और आप पहुंच चुके हैं सभ्य एस यादव स्टेशनरी पर, और यहां आपको मिलेगा कलर पेंसिल और पेन। और ये दुकान जो लगाई गई है वो लगाई है आयु भैया ने। और क्यों लगाई है मैं बता दूं आपको कि कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था, कोचिंग नहीं जा रहा था, उसकी तबीयत खराब थी, बोर होता था तो वो घर में ऐसे ही कुछ ना कुछ करता था। लेकिन आज उसने कुछ बड़ा कर लिया और वसूली अभियान उसका जारी है। कहीं इसने पैसे छुपा कर रख दिए हैं, दादी दादू से और मम्मा से पैसे ले चुका था और 100 रुपीज मुझसे भी लिए कि आप अपने बेटे के लिए कुछ खरीदिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया, घर की शॉप से ही खरीदते हैं, पैसों से खरीदते हैं। और आई भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? तो आपको भी अगर कुछ लेना हो इन चीजों में से तो आप आयु की दुकान पर बिल्कुल आ सकते हैं। और थोड़ी देर के लिए मिलेगी और इस ब्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि अब आयु ठीक हो चुका है। और स्पेशली ये सभ्य सुनील ब्लॉग जो है वो आयु के लिए ही शुरू किया गया है। खिलाएगा पक्का? पिज्जा खिलाएगा हमको, दाल बाटी खाना होगा तो पिज्जा खिलाएगा। अभी तक जितना खर्चा हो रहा ना सब लिख रहा हूँ, ये कटिंग के भी लिखाएंगे। वो तो मैं दे रहा 200 रुपए। अच्छा जूस के भी तो सब चीजों के लिखना पड़ेगा यार, तो 200 रुपए इसके पास कहाँ से है? 200 रुपए कहाँ से लाया, तू कमा के लाया क्या? हैं? उसके साथ बैठ के जूस बेचा था। मुकेश भैया की शॉप से वापस आने के बाद मनीष आ गया था तो मैंने सोचा चलो ठीक है संडे है तो कहीं घूम कर आते हैं। तो सोचा कहाँ जाएं तो मैंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, अपन सीधे निकलते हैं भीलड़ बाबा के लिए। तो बस मनीष और हम स्कूटी से निकल पड़े भीलड़ बाबा के लिए, क्योंकि जब भी मैं फ्री होता हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि बाबा के दर्शन करने हैं तो मैं भीलड़ बाबा निकल जाता हूँ। तो बस वहाँ दर्शन करने हम पहुँचे, तो आप भी करिए भीलड़ बाबा के दर्शन, क्योंकि भीलड़ बाबा हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, अगर आप भी दिल से वहाँ जाएंगे तो आपकी भी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और फिर दोपहर में मैडम को चलाना था कार, क्योंकि मैडम चलाना सीख चुकी हैं कार। तो उन्होंने कहा कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है नर्मदा घाट बाबरी तक चलते हैं। तो फिर बस बाबरी घाट तक पहुँचे, वहाँ से वापस मैडम खुद चला कर लाई गाड़ी और बहुत अच्छी गाड़ी चलाई, गाड़ी बोल दिया था, बहुत अच्छी गाड़ी चलाई और फिर वापस आ गए हम घर। गाइस फाइनली हो चुका है कहाँ जाने का टाइम। तो आपको बता दूं कि हम हर सैटरडे संडे कोशिश करते हैं कि कहीं खाना खाने चले जाएं या फिल्म देखने चले जाएं। तो टॉकीज में फिल्म लगी है कांतारा, लोग हालांकि कंतारा कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में उसका नाम है कांतारा। और ये भी बताया कि उसमें डर भी लगता है, और डर कब लगता है जब वो चिल्लाते हैं। तो आयु ने डिसाइड कर लिया है कि डॉली और हम दोनों के बीच में बैठेगा, लेकिन आयु कई बार बोलता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ बड़ा हो गया, डॉली बोलता है ना कि बड़ा हो गया हूँ बड़ा हो गया नहीं हुआ तो कभी। और आयु घर पे आके खाना नहीं खाता है और अभी खाना खाने का टाइम नहीं हुआ है, तो हमने आयु का खाना रख लिया साथ में और वही आयु को खिलाएंगे। मैंने एक पराठा खा भी लिया और एक पराठा उसने खा भी लिया, क्योंकि क्या होता है रात में आता है फिर जैसे तैसे खा के सो जाता है और फिर कल स्कूल जाने में रोल करेगा। तो अभी हम सीधे तैयार होकर जाते हैं कहाँ, कांतारा मूवी देखने। अभी हम जा रहे हैं टॉकीज, मम्मा पापा घर पे ही है और अभी हम ही जा रहे हैं। उनको छोड़ के जा रहे हैं, बैग लाया चुपचाप से। हाँ अभी लेके आऊंगी, अभी अभी पैक नहीं हुआ, पैक नहीं हुआ। अच्छा पैक नहीं हुआ, अभी पैक नहीं हुआ। सब भी पहुंच चुके हैं टॉकीज और अब चलते हैं अंदर। नमस्ते पवन काका, बढ़िया। मूवी देखना? हाँ मूवी देखना। डर तो नहीं लगेगा? डर लगेगा, वो चिल्लाता बहुत तेज है। देखा आपने प्रोमो? हाँ देखा था ना, ट्रेलर देखा था, अच्छी लगी थी। डरना मत, कल वो डर लगता वो वाले ट्रेलर में।
उसकी माता जी। नहीं नहीं डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रेलर रिलीज का इतना डरा रहा था तो फिर बच्चों की डरा कौन था उसमें? भगवान जाने, भगवान जाने। हॉरर मूवी थोड़ी नहीं है। अरे वैसे लगती है एकदम लकड़ी का पेन। लकड़ी का पेन ये देखो बेटा गाइस टॉकीज में मूवी देखने में इतना मजा आया कि हम एक पल के लिए भी इधर उधर ध्यान नहीं दिया क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। पवन इसका भी पार्ट टू बनेगा है? पार्ट टू करके इंतजार कराते रहो है ना। लगा यार नानू भैया को खूब फोन लगाया भैया लेकिन नानू भैया आने को तैयार नहीं थे यार। नानू जी पुलिस वाले छोरी छोड़ दे यार घर। तेरे पापा कंजूस है? अच्छा पवन भैया पूछ मनीष भैया कंजूस है कि नहीं? हाँ इसको यही रहने दो देख ले। क्या रात में काम करोगे? रात का है कि वो तो बेचारा दिन भर से बैठा है यार। मनीष तेरे ऊपर आरोप लग रहा है यार कि तूने रात करा दी। खुद ही रात में आते और आरोप लगा रहे मूवी देखकर हम आ चुके हैं और मूवी बहुत ही शानदार है और उसमें ये जो एक्सप्रेशन दे रहा है ये आवाज भी मैं आपको सुनाऊंगा लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले मैं मूवी के बारे में बता दूं कि मूवी जैसे हमारे यहाँ जल जंगल जमीन टाइप का सिस्टम होता है मतलब आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं उन्हें फॉरेस्ट अधिकारी या रईस लोग हटाना चाहते हैं कि वहाँ से हट जाए और जमीन या तो फॉरेस्ट में चली जाए या लोग हड़प लें। बस उसी चीज को बनी हुई है और जो आदिवासियों के या जो जंगल में रहते हैं उन लोगों के जो देव होते हैं वो उनकी किस तरह से मदद करते हैं इसको लेकर फिल्म है और पीछे कोई ना कोई आता रहता है तो देखना पड़ता है कि कोई अपने घर तो नहीं आ रहा तो बस इसी को लेकर फिल्म है। और आई कैसा चिल्लाते हैं वो देव बहुत तेज आवाज आती है मतलब कई बार दो तीन बार डर भी लगता है एकदम से आवाज आती है एकदम से कान पीछे से आके आवाज आ जाता है तो थोड़ा डर लगता है। एक्सपीरियंस हो गया है कान बंद करने का क्योंकि बहुत ज्यादा फुल टाइम आवाज आती है और होता भी है जैसे आपने कई बार देखा होगा कि भूतड़ी अमावस्या के टाइम का कई बाबा आते हैं नर्मदा जी नदी के किनारे तो बस इसी टाइप की फिल्म है लेकिन अच्छी फिल्म है और देखने जाना चाहिए जाना चाहिए। टॉकीज से घर पहुंचे और घर पर हमें काम याद आया कि जिन इंजीनियर साहब को हम गलती से फिल्म दिखाने ले गए थे वो इंजीनियर साहब ने हमारे ऑफिस का काम नहीं करा क्यों नानू ये हैं और हमको रात भर बैठना पड़ रहा है तो हम वापस ऑफिस आए हैं और मोहतरमा हमारी पहुंच गई हैं कहाँ वहाँ टॉफी लेने तो वो भी दिखाते हैं जरा वेट एंड वॉच लेके आई रही हैं। तो गाइस ये देखिए ये टॉफी लेकर वापस रवानगी न जाने क्या क्या बीन लाई क्या क्या ले आई क्या क्या ले आई पैसे भी बचा ये समझदारी है ढेर सारी लो जिसको नहीं खाना है वो नहीं लेगा और जिसको खाना है वो ले सकता है। ये तो वो है नेक इंसान कोई सी भी दे दो पर दोनों तो दे दो जितना स्मार्ट होना मेरी बीवी उतना स्मार्टनेस को कचरा कर देती है ऐसा कचरा कर देख देती उसको थोड़ी नहीं देख रहा था वो सामने बैठा ना। गाइस बताओ मैंने कचरा करा क्या? अपने ऑफिस में ऐसा नोटिस लगाते हैं कि जूते चप्पल बाहर उतारे और दूसरे को ऑफिस में पहन के बैठे। भैया टॉपिक देने आया था सर लीजिए लेट हो जाता मैं दे देती सर बहुत व्यस्त है